है कि हमको लगता है कहीं ना कहीं या कोई वर्कर बोल देते हैं तो उनके ऊपर पूछा जाएगा क्या इशू है, नहीं है, आपने क्यों ऐसा बोला, लेकिन ऐसा हम नहीं समझते हैं कि उनको बोलना चाहिए। पर अब पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है, होटल में जा रही है और महिलाओं के कमरे में प्रवेश कर जाती है बिना महिला कांस्टेबल के। देखिए इसमें कई लोगों ने एतराज जताया, ये एतराज वाला बात तो जरूर है, लेकिन जब भी जहां कहीं महिला की जांच हो या फिर इस तरह का कहीं कोई आता है तो महिला पुलिस के साथ जांच हो, जब रिपोर्ट मिलती है तो जांच होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन महिला पुलिस के साथ जांच होता तो ज्यादा बेहतर होता। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लिए होंगे, इस पर जरूर इस पर कार्रवाई। नीरज जी आप देखिए सहयोग कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चलता है, काफी लोग आते हैं, काफी लोगों के समस्या का समाधान होता है। हम समझते हैं कि हर तरह की समस्याएं आती हैं, ज्यादा से ज्यादा लेकिन जमीन का झंझट आते रहता है, कहीं अतिक्रमण का समस्या आ जाता है, तो जहां भी जिस तरह का समस्या आता है वहां के अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि मुख्यमंत्री दरबार के बाद भी कोई कोई पहुंच जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान हो जाए। मुझे लगता है कि हर तरह की समस्या का समाधान होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में देखिए विकास का सारा काम चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हर तरह का काम चल रहा है डेवलपमेंट का। आप समझते हैं कि पूरा तेज चल रहा है। आज जैसे कि आपने देखा कि बिहार विधान परिषद में ई सिस्टम चालू किया गया, तो देश में अनूठा काम तो बिहार में होते रहता है। ये बिहार विधान परिषद देश का पहला विधान परिषद है जहां ई सिस्टम शुरू किया गया, तो इससे काफी बड़ा फायदा मिलेगा। और हम समझते हैं कि पेपरलेस काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो पेपरलेस धीरे धीरे होते जा रहा है, तो पेपरलेस जितना होगा उतना इसका बेहतर असर पड़ेगा। लोग इसमें हाईटेक हो जाएंगे, हमारी जो नई पीढ़ी है वो हाईटेक हो रहे हैं, और पेपर से सबसे बड़ा इसका एक प्रदूषण पर भी पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जब पेपर बनता है तो वो पेड़ कटता है तो पेपर बनता है, जितना पेपर वर्क कम होगा उतना हमारा प्लांट बचा रहेगा, उतना हमारा पेड़ पौधा बचा हुआ रहेगा, तो पर्यावरण पर भी इसका ई सिस्टम का बड़ा असर है, तो जितना ई सिस्टम डेवलप करेगा उतना हमारा पर्यावरण सही रहेगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।